उत्तर प्रदेश यानी देश की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने वाला राज्य और भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति का प्रतीक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन लिख रहा है उत्तर प्रदेश के बुनियाद की एक नई गाथा। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, पेट्रोलियम, जल शक्ति और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेल खंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है DFC पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य दो मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी। आज जिन सड़क परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर अलीगढ़ कानपुर सेक्शन अलीगढ़ भदवास की 4 लेनिंग। इससे ताला नगरी अलीगढ़ एवं इत्र नगरी कन्नौज के उद्यमियों, निर्यातकों और कामगारों को मिलेगी दिल्ली तक सीधी रोड कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय राजमार्ग 709A पर मेरठ से करनाल बॉर्डर तक वाया शामली सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसके निर्माण से मेरठ और हरियाणा राज्य के बीच स्थापित होगा बेहतर सड़क संपर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 709AD पर शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन की 4 लेनिंग। इससे हरिद्वार एवं चारधाम यात्रा के लिए आवागमन होगा सुगम। आज शुरू की जाने वाली सीवरेज सिस्टम की परियोजनाओं में शामिल है मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्स्थापन व नवीनीकरण और STP एवं मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली और STP फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूंडला गौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी, साथ ही कम लागत में हो सकेगा पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व वितरण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का राष्ट्र को समर्पण। इससे औद्योगिक विकास को मिलेगी गति और आर्थिक उन्नति के साथ ही होगा रोजगार के अपार अवसरों का सृजन। इन परियोजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी गति बल्कि विकसित और नए भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध।